नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू प्रीमियम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। आप में से जो आज मुझसे जुड़ रहे हैं उनके लिए एक विशेष वेलकम। एंड आज हम यूपीएससी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर 2019 के। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पर। आज का पहला सवाल है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड। हाल ही में भारत और चाइना के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है हैंड इन हैंड, वो शुरू हुई है चाइना में और ये इसका 8वां एडिशन है। ये कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, 8th एडिशन ऑफ इंडिया चाइना जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैंड इन हैंड कमेंस्ड इन चाइना रिसेंटली। दूसरा स्टेटमेंट, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड HADR ऑपरेशंस आर द कोर इश्यूज इन इट। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पर हम आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस चला रहे हैं और HADR ऑपरेशंस चला रहे हैं, इन्हीं में पारंगत होने की कोशिश की जा रही है इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये HADR है क्या। HADR का मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो इसका आंसर होगा ओनली 2, क्योंकि ये बात सही है लेकिन ये वाला गलत है, क्योंकि ये एक्सरसाइज चाइना में नहीं भारत में हो रही है 8वें एडिशन में, मेघालय के उमरोई में। जगह का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट याद रख लोगे तो बहुत है। और ये उसकी ओपनिंग सेरेमनी की फोटो आपको एक देखने को मिल रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है 8th इंडिया चाइना जॉइंट एक्सरसाइज हैंड इन हैंड। और ये एक्सरसाइज एक साल होती है भारत में, अगले साल होती है चाइना में। तो अब 2020 वाली जो है वो चीन में होगी, 2019 की भारत में है, ऑल्टरनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दो संस्थाएं हैं इनका नाम यहां पर दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि APEDA एंड ट्राइफेड बोथ आर एस्टैब्लिश्ड बाय रिस्पेक्टिव एक्ट्स, यानी कि APEDA और ट्राइफेड को स्थापित करने के लिए संसद में कानून लाया गया था, इनके लिए स्पेशल एक्ट पास किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि बोथ बॉडीज आर कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, यानी कि ये ऐसे कोऑपरेटिव्स हैं जो मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, व्यापार में हेल्प करते हैं किसी की बॉडी को या फिर कोई भी जो व्यापार संगठन है उसको। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि दोनों के लिए कानून नहीं आया था, केवल एपेडा के लिए आया था। और ट्राइफेड जो है ये केवल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है, एपेडा नहीं है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में वन धन योजना से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी जिसमें वन धन विकास केंद्र की स्थापना की बात थी। तो ट्राइफेड ये वन धन विकास केंद्र स्थापित कर रहा है और ट्राइफेड 100 दिन भी सेलिब्रेट कर रहा है वन धन योजना के। एपेडा क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर हमारे खेती के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, देखिए प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का ये मतलब होता है कि जैसे अनाज गेहूँ उगता है खेत में, चलिए उसका एग्जांपल ले लीजिए, तो अगर कोई गेहूँ बेच रहा है तो वो हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, लेकिन अगर कोई गेहूँ को पीस कर आटा बेच रहा है तो वो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है। तो इसमें आप फर्क समझिए। तो कई सारी चीज़ें हैं जो प्रोसेस होकर आगे बिकती हैं और इन्हीं प्रोसेस्ड फूड को या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए सरकार ने 1985 में एपेडा की स्थापना करी थी और इसके लिए एक अलग कानून पास किया गया था और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं आता है, ये याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। तो एपेडा की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो नाम से ही समझ में आ रही है कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री, बेकरी, हनी, जैगरी, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जैसे देखो गुड़, जैगरी भी एक प्रोसेस्ड फूड है ना, प्रोसेस्ड फूड हो जाएगा, शक्कर, ये सभी को एक्सपोर्ट करने में मदद करने का काम है एपेडा का। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एपेडा पे, वो ये कि टू मॉनिटर द इम्पोर्ट ऑफ शुगर, कि कितनी शक्कर भारत में आयात हो रही है, निर्यात नहीं आयात हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, वो भी एपेडा का जिम्मेदारी है। फिर आते हैं ट्राइफेड पर। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आदिवासियों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, जो भी प्रोडक्ट हैं ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट करने के लिए ये फेडरेशन स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अधीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसकी मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, इसमें तो याद रखने लायक कुछ है नहीं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? देखिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भारत में आदिवासी हैं उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मेटल क्राफ्ट हो, ट्राइबल टेक्सटाइल्स हो, पॉटरी, पेंटिंग्स, इन सभी प्रोडक्ट्स को बेचने में इनकी सहायता करना और इससे उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना।
तो ट्राइफेड जो है ये ट्राइबल लोगों को एम्पावर करता है, नॉलेज टूल्स कैसे चीज़ें बेची जाए, मार्केट करी जाए, इन सभी चीज़ों में मदद करी जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा दिया जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है कई तरह की। तो ट्राइफेड के दो बड़े फंक्शन है, पहला माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डेवलपमेंट और दूसरा रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसको इसका क्या मतलब होता है, माइनर मतलब छोटा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी जो जंगल से निकल रहा है। तो जंगल से वैसे तो लकड़ी भी निकलती है, पेड़ काट के लकड़ी बेची जाती है, लेकिन वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गया, आप हाईलाइट कर लेना, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन, यानी कि लकड़ी के अलावा जो भी प्रोडक्ट्स हैं प्लांट ओरिजिन के, तो जैसे बैम्बू, केन, फॉडर, पत्ते, गम, आप जैसे तेंदू पत्ता आता है, वैक्स, डाई, रेजिन, कई तरह के प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, शहद, ये सभी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाते हैं। तो इनको बेचकर आदिवासी अपनी इनकम, कैश इनकम बनाते हैं, और ये बहुत माइनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम इनका माइनर फूड फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लेकिन ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर ट्राइबल पीपल। तो लगभग 10 करोड़ लोग अपना लाइवलीहुड इन्हीं चीज़ों को बेचकर चलाते हैं, और इसीलिए इसमें मदद करने का काम ट्राइफेड करता है। तो ट्राइफेड के कई सारे फंक्शंस हैं जो मैंने आपको बताए, तो पहला तो हमने देख लिया माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और दूसरा जो है वो है रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट। तो रिटेल मतलब होता है खुदरा व्यापार, ठीक है, रिटेल मार्केटिंग यानी खुदरा व्यापार में मार्केट करना और उसे डेवलप करना, ये काम होता है ट्राइफेड का, दूसरा काम है। तो इसमें भी ट्राइफेड इंडिया इनकी हेल्प करती है, ट्राइफेड के खुद की आउटलेट्स भी हैं जिनका नाम है ट्राइब्स इंडिया आउटलेट, उसके अलावा कई एजेंसीज, एनजीओज, इनके साथ भी ये जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, और इनके थ्रू ये प्रोडक्ट्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हर साल 7 दिसंबर को इंडियन मिलिट्री फ्लैग डे मनाया जाता है, ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट, एवरी ईयर इंडिया डेडिकेट 7 दिसंबर टू द इंडियन मिलिट्री फ्लैग डे। सेकेंड, द मेन पर्पज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रिहेबिलिटेशन ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, रिसेटलमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज एंड वेलफेयर ऑफ सर्विंग पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है, जो पूर्व फौजी हैं, उनके परिवारों की देख रेख, उनकी भलाई, वेलफेयर, और जो करंट फौजी हैं अभी सेवा में हैं, उनकी भलाई करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, मेन इसका पर्पज़ ये है। तो यहाँ पर ये केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत होगा, क्योंकि इस दिन का नाम इंडियन मिलिट्री फ्लैग डे नहीं होता है, ये आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है। इसमें तीनों सेनाएं, हमारी थल सेना, वायु सेना और नेवी जल सेना, तीनों के लिए डेडिकेटेड है, इसलिए इसको कहेंगे आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में तीनों आ जाती हैं, सशस्त्र सेनाएं, हमारी तीनों सेनाएं जो हैं इनके लिए आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। पर्पस इसका जो बताया मैंने आपको वही है, और इसकी हाईलाइट्स क्या रहती है कि जगह जगह फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, कार्निवल शो, ड्रामा, गाड़ियों पर झंडे लगाए जाते हैं, छोटे छोटे फ्लैग्स लगाए जाते हैं, और ये दिन 1949 से मनाया जा रहा है 7th दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 4, UNFCCC का COP25 चिली में हुआ हाल ही में। COP25 वॉज हेल्ड इन चिली। सेकेंड, नायरोबी वर्क प्रोग्राम वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड इन द COP। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये चिली में होने वाली थी, लेकिन चिली में हुई नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो इसलिए मैड्रिड स्पेन में हो रही है, और अभी ये चल रही है, करेंटली ख़त्म नहीं हुई है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 तारीख तक चलेगी, और नायरोबी वर्क प्रोग्राम इसमें लॉन्च नहीं हुआ है, अभी वाली में लॉन्च नहीं हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, हमारा आंसर होगा डी, नन। तो भारत की तरफ से यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट करने गया है, हमारे पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर मैड्रिड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में गए हैं, पहले चिली में होने वाला था, लेकिन चिली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं सरकार के विरुद्ध, तो चिली सरकार ने कहा कि हम नहीं कर सकते इसको ऑर्गेनाइज, तो इसलिए इसको मैड्रिड स्पेन में शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पर हाइलाइट्स ये हैं, मेनली अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें यही हमें पता चला है कि NDC नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को सारे देश बढ़ाने वाले हैं अगले 12 महीनों में, और COP26 में डिटेल्स उसकी बाहर आएंगी। उसके अलावा ईयरबुक लॉन्च करी है, एक रिपोर्ट ऑन ओशंस लॉन्च हुई है, और इसमें स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन चेंजिंग क्लाइमेट, ये इस रिपोर्ट का पूरा नाम है। मेनली इसमें यही बताया गया कि समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। नायरोबी वर्क प्रोग्राम जो है ये एक पुराना प्रोग्राम है, 2005 में सबसे पहली बार ये आया था, और 2006 में COP11 जो थी 2005 में, और COP12 जो थी 2006 में नायरोबी में, उसमें इसका नाम बदल के रख दिया गया, नायरोबी वर्क प्रोग्राम ऑन इम्पैक्ट्स, वल्नरेबिलिटी एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, ये इसका पूरा नाम है, NWP कहते हैं इसे आमतौर पर, नायरोबी वर्क प्रोग्राम।
ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत सीओपी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कहना गलत होगा, डेवलपिंग वुड बी अ बेटर वर्ड, डेवलपिंग देशों को ऐसा ज्ञान देता है, इस तरह की नॉलेज देता है, टूल्स देता है जिससे वो अपने क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसीज को आगे बढ़ा सकें या उन्हें सपोर्ट कर सकें. तो इट ऑपरेट्स अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द चेयर ऑफ द सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस. ये उस संस्था का नाम है जिसके अधीन नैरोबी वर्क प्रोग्राम चलता है. तो ये इसके जो काम करने का तरीका है वो क्या है, एंगेजिंग अ ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ नॉन पार्टी स्टेक होल्डर्स इन शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज. देखो अब ये मेंस के पॉइंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो था मैंने आपको बता दिया. मेंस में आप चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें काम कैसे होता है, कि ऐसे स्टेक होल्डर्स से एक्सपीरियंस लाना, एक्सपर्टीज लाना जो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज वाले फील्ड में काम कर रहे हैं, कैप्चरिंग एंड सिंथेसाइजिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन की अडेप्टेशन इशूज, एनहांसिंग द साइंस पॉलिसी प्रैक्टिस इंटरफेरेंस इंटरफेस टू क्लोज आइडेंटिफाइड नॉलेज गैप्स, डिसेमिनेटिंग नॉलेज एंड फॉस्टरिंग लर्निंग टू बूस्ट अडेप्टेशन एक्टिविटी बाय ऑल स्टेक होल्डर्स. और इसी COP25 में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 भी पब्लिश हुआ था जिसके बारे में हमने 3 दिन पहले चर्चा भी करी थी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. भारत का ऑनलाइन मार्केट दुनिया में दूसरे नंबर पर है अमेरिका के बाद. इंडियाज ऑनलाइन मार्केट इज सेकेंड ओनली टू USA. दूसरा स्टेटमेंट, जस्टिस BN श्रीकृष्णा प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. तो अभी हाल ही में हमारी संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है, उसका ड्राफ्ट जस्टिस BN श्रीकृष्णा ने बनाया था. तो केवल सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि जस्टिस BN श्रीकृष्णा ने 2 साल पहले ये बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था. श्रीकृष्णा कमेटी बनाई गई थी डेटा प्रोटेक्शन के लिए, प्राइवेसी के लिए, और उसी के रिकमेंडेशंस पर ये बनाया गया था ड्राफ्ट. भारत का जो ऑनलाइन मार्केट है वो अमेरिका नहीं, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है. चाइना में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं दुनिया में, आबादी भी ज़्यादा है, चाइना में इंटरनेट का यूजेज भी ज़्यादा है, और भारत में लगभग 50 करोड़ लोग इस वक्त ऑनलाइन हैं, तो हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं आफ्टर चाइना. तो कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और आई थिंक ये कल संसद में पेश हो जाएगा, जहां तक मेरा ख्याल है कल या परसों के अंदर ये प्लेस होने वाला है संसद पे. इस बिल में डेटा को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, क्रिटिकल डेटा, सेंसिटिव डेटा और जनरल डेटा. तो सेंसिटिव डेटा ऐसा होगा जो भारत के बाहर प्रोसेस किया जा सकता है लेकिन यूज़र की परमिशन के बाद. क्रिटिकल डेटा ऐसा है जो केवल भारत में सेव किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है सर्वर्स पे और इसे सरकार एक्सेस कर सकती है. जनरल डेटा ऐसा डेटा है जो कहीं भी स्टोर किया जा सकता है, भारत में या बाहर. इस बिल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी सारे एग्जेम्पशन मिले हुए हैं, यानी सरकार जब चाहे डेटा ले सकती है. डेटा जो सेव करते हैं, जिनके पास हमारा डेटा उपलब्ध है, उन्हें डेटा फिड्यूशरी कहा गया है. तो जैसे सोशल मीडिया कंपनीज हैं, अब उनसे सरकार कभी कभी डेटा ले सकती है. उसके अलावा सोशल मीडिया कंपनीज को कहा गया है कि आप अपना यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म निकालो. पहले सरकार इसे आधार से लिंक करने वाली थी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को, लेकिन वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया है. अब इन्हें कहा गया है कि आप खुद अपने लेवल पर वेरीफाई कीजिए कि आपके जो यूज़र्स हैं वो असली हैं, फेक हैं, कौन है. इस बिल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का. तो जो भी बड़ी कंपनीज हैं जो डेटा स्टोर करती हैं, जैसे फेसबुक हो गई, गूगल है, इन्हें एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो इस डेटा को कैसे सिक्योर किया जाए, कोई रिड्रेसल है, ऑडिटिंग है, इनका काम करेगा. और ये DPOs जो हैं, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, ये डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगे. डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी एक रेगुलेटर है जो सरकार बनाएगी. जैसे ट्राई बनाया गया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वैसे ही अब डेटा के लिए डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी बनेगी. उसके बाद राइट टू बी फॉरगॉटन है. अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई सर्च रिजल्ट इंटरनेट से हट जाए तो आप हटवा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इस बिल में इंडिविजुअल्स को राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, एबिलिटी टू एक्सेस एंड ट्रांसफर वंस ओन डेटा मिली है. डेटा प्रोटेक्शन बिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत में बहुत डेटा जनरेट होता है इंटरनेट पर क्योंकि हम दूसरा सबसे बड़ा देश हैं जो ऑनलाइन है. चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं. हमारे यहाँ पे 50 करोड़ लोग इस वक्त एक्टिव हैं और अभी जो अगले 80 करोड़ हैं, यानी 130 करोड़ की आबादी में केवल 50 करोड़ लोग ऑनलाइन आए, तो अभी 80 करोड़ और ऑनलाइन जब आएंगे तब इतनी बड़ी संख्या में डेटा आएगा इंडिविजुअल्स. तो इनकी जो हैबिट्स हैं इनको आप मॉनिटर कर सकते हैं, इस डेटा को बेचकर पैसा कमाया जा सकता है, जो अभी भी होता है. सोशल मीडिया वही है, जितनी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वो आपके पैटर्न्स एनालाइज करके फेसबुक, गूगल, ये एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं वो सारा डेटा. तो इससे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का भी खतरा रह सकता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को इसमें रेगुलेशन लाने की बहुत ज़रूरत है.
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट और इसीलिए डेटा प्राइवेसी का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस बिल में कुछ कंसर्न्स भी हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो बिल है इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा ताकत दी गई है, एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, यानी सरकार जब चाहे कुछ डेटा एक्सेस कर सकती है चाहे वो प्राइवेट डेटा हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इसमें एग्जेम्पशंस दिए गए हैं जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड यूपीएससी काफ़ी पूछता है, इसलिए आपको जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, एटलीस्ट जिन ऑर्गेनाइजेशंस की रिसेंटली मीटिंग हुई है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ दो स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है कि 10th एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड इन सबा मलेशिया, जगह का नाम छोड़ दो, मलेशिया में इंपॉर्टेंट नहीं है। एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप ये IUCN का हिस्सा है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि AESG इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ IUCN। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, IUCN का ही हिस्सा है, IUCN के अंदर एक स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन है। तो यहाँ पर नाम ही बता रहा है कि एशियन एलिफेंट यानी एशिया का जो हाथी है, स्पेसिफिकली एशियन एलिफेंट, उसके कंजर्वेशनिस्ट एक्सपर्ट्स आते हैं, एक साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। तो हाल ही में मीटिंग हुई जहाँ पे 130 एक्सपर्ट्स आए, इन्होंने एशियन एलिफेंट को, हाथी को बचाने के लिए अलग अलग क्या टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाए, इस तरह की बातों पर डिस्कशन किया। और ये IUCN के स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का हिस्सा है। ओके, IUCN का फुल फॉर्म आई एम श्योर आप सभी को पता ही होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब स्टैटिक पोर्शन है किसका, एनवायरमेंट इकोलॉजी का। इस ग्रुप की एक मैगजीन है, जर्नल है जो पब्लिश होती है, उसका नाम है गज, हिंदी और संस्कृत दोनों में हाथी का नाम होता है गज। क्वेश्चन नंबर 7, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मर्ज इट्स फ्लैगशिप स्कीम कालिया विद द सेंटर्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तेलंगाना सरकार ने अपनी फ्लैगशिप स्कीम कालिया को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मर्ज कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। दोनों स्कीम छोटे किसान कल्टीवेटर्स यानी जो खेती करते हैं, या लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे किसानों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं दोनों स्कीम। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि ये तेलंगाना नहीं है, ये है उड़ीसा, और यहाँ पर दोनों स्कीम स्मॉल फार्मर्स के लिए काम नहीं करती हैं, एक स्कीम किसी और के लिए करती है, डिटेल में आपको बताते हैं। यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखो ये न्यूज़ उड़ीसा से रिलेटेड है, उड़ीसा PCS वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि सेंटर की स्कीम से मर्ज किया गया है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब चाहे आपको उड़ीसा की स्कीम की डिटेल्स नहीं पता हो, लेकिन एटलीस्ट आपको PM किसान सम्मान निधि, PM किसान योजना के बारे में डिटेल पता होनी ज़रूरी है। तो वैसे आपको बता दूं कि उड़ीसा सरकार ने अपनी इस फ्लैगशिप स्कीम को, जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, इसको एक्रोनिम दिया गया था कालिया, इस स्कीम के अंदर स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेटर्स और लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, यानी जो छोटे किसान हैं और जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे किसान उन्हें 10,000 रुपये की सहायता दी जाती थी। लेकिन हुआ क्या है कि ये स्कीम की डिटेल्स है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये उड़ीसा PCS के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उड़ीसा सरकार के पास कैश की, फंड्स की कमी है, जिसके कारण उन्होंने इसे PM किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ दिया। और वैसे दोनों स्कीम मोर और लेस सेम है, लेकिन एक फ़र्क है कि यहाँ पर जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो लैंड होल्डिंग फार्मर्स भी हैं, जिनके पास ज़मीन है, लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़, उनके लिए ये टारगेटेड है। तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उन्हें 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे PM किसान योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 8, HOG और EOG टेक्नोलॉजी किस फील्ड से संबंधित हैं, मिसाइल गाइडेंस, रॉकेट लॉन्चिंग, 3D प्रिंटिंग या फिर लोकोमोटिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसका उत्तर है लोकोमोटिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। लोकोमोटिव का मतलब होता है ट्रेन का इंजन, तो ट्रेन के इंजन में एक इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है उससे रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी है। HOG का फुल फॉर्म होता है हेड ऑन जनरेशन और EOG का मतलब होता है एंड ऑन जनरेशन। देखिए, जो भी ट्रेन्स चलती हैं उनमें दो तरह की बिजली की रिक्वायरमेंट है, पहला बिजली चाहिए इस इलेक्ट्रिक इंजन को पावर देने के लिए जिससे ट्रेन आगे बढ़ेगी, और दूसरी रिक्वायरमेंट है इन सभी डब्बों में जो लाइट्स, पंखे, AC के कंपार्टमेंट में AC चल रहा है उस सबको चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो होता है होटल लोड, इसे कहते हैं होटल लोड। बेसिकली होटल वाला काम है, मेन जो ट्रेन को चलाने का काम है वो तो इंजन में होता है। तो जो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है बिजली की, लोड ऑफ एयर कंडीशनिंग, लाइट, फैन, पेंट्री कार, ये सब कहलाता है होटल लोड।
अब एचओजी में क्या होता है कि ये वाला होटल लोड भी इसी से आता है, इन्हीं तारों से आता है, और इसे कहते हैं पेंटोग्राफ। ये जो उपकरण है जो बिजली के तारों से बिजली नीचे लाता है ट्रेन में, इसे पेंटोग्राफ कहते हैं। तो बेसिकली ट्रेन चल भी इसी से रही है, पेंटोग्राफ के थ्रू जो बिजली आ रही है, और जो होटल लोड है वो भी पेंटोग्राफ के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है, उसे कहते हैं एचओजी। लेकिन एंड ऑन ईओजी यानी एंड ऑन जनरेशन में क्या होता है कि इंजन तो चलेगा इससे जो बिजली आ रही है तारों से, लेकिन जो बाकी सारा लोड है लाइट का, पंखे का, होटल लोड, वो चलता है डीजल जनरेटर से, और वो डीजल जनरेटर का एक अलग ही डब्बा लगा रहता है ट्रेन के आगे और पीछे। तो इससे क्या होता है, दो जनरेटर कार चलानी पड़ती है जनरली जो फुल एसी ट्रेन से, उनमें दो जनरेटर कार्स होती हैं, या राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस में भी दो होती हैं जनरली, एक तो होगा ही होगा जनरेटर कार अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी लोड अलग से है। तो एचओजी ज़्यादा एफिशिएंट है बजाय ईओजी के, सारी इलेक्ट्रिसिटी अगर ऊपर के तारों से ही आ रही है तो उसे एचओजी कहते हैं। तो अभी हाल ही में कई सारी ट्रेन्स को कन्वर्ट किया गया है एचओजी में, और एचओजी लगाने से जो एनुअल एमिशंस हैं रेलवे के वो भी कम आएंगे, तो उसके कारण कार्बन क्रेडिट्स भी बढ़ाए जा सकते हैं, और नॉइस एमिटिंग जनरेटर यानी जो आवाज़ होती है जनरेटर से वो भी चली जाएगी, तो नॉइस पोल्यूशन में भी कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, दो स्टेटमेंट है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है न्यूट्रीनोज से रिलेटेड। न्यूट्रीनोज आर सेकेंड मोस्ट वाइडली अकरिंग पार्टिकल इन यूनिवर्स, ओनली सेकेंड टू फोटॉन्स। फोटॉन्स के बाद न्यूट्रीनोज दुनिया में, आई एम सॉरी, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में होने वाले सबसे सेकेंड मोस्ट कॉमन पार्टिकल हैं। सबसे ज्यादा फोटॉन्स, नंबर दो पे न्यूट्रॉन, ऐसा कह रहा है हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत की न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी INO एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाएगा थेनी हिल्स केरल में। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, केरल में नहीं है, थेनी हिल्स तमिलनाडु में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन। ये बात बिल्कुल सही है, न्यूट्रिनोस फोटॉन्स के बाद आने वाले दूसरे सबसे ज़्यादा वाइडली पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं। तो ये जो INO है सालों से बन रही है, सालों से न्यूज़ में है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये बन रही है थेनी डिस्ट्रिक्ट में, दक्षिण तमिलनाडु में। और इसके लिए काफ़ी, इसके खिलाफ काफ़ी विरोध भी हो रहा है, लोकल लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ये लेबोरेटरी यहाँ बने, क्योंकि काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन है, साइंस का ज्ञान नहीं है देश में इतना, तो लोग सोच रहे हैं कि इस लेबोरेटरी के कारण हमें कुछ नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है ये अंडरग्राउंड बनेगी, और 1 किलोमीटर नीचे, मतलब 1 किलोमीटर का पहाड़ होगा इसके ऊपर, 1200 मीटर का कवर रहेगा, और इसमें INO में न्यूट्रिनोस की स्टडी करी जाएगी। और याद रखना, इस प्रोजेक्ट को दो डिपार्टमेंट फंड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी DAE और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, दोनों। तो कुछ इस तरह से होगा, ये वाला पहाड़ है जो इस फोटो में भी आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर, 1200 मीटर ऊपर पहाड़ है, और अंदर यहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी बनेगी, और इसके लिए एक एक्सेस टनल होगी जो बाहर आएगी। तो इसको लेकर काम शुरू हो चुका है, लेकिन कंटिन्यूअसली विरोध देखने को मिल रहा है। तो थेनी डिस्ट्रिक्ट याद रखना, और पहाड़ों का नाम है बोधी वेस्ट हिल्स ऑफ थेनी डिस्ट्रिक्ट्स। और यहाँ पर ये जो लैब है, इसके साथ साथ ही मदुरई में एक प्रॉपर रिसर्च नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स बनेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग रहेंगे, रिसर्च होगा, लेबोरेटरी के रिजल्ट्स वगैरह जो आएंगे उनके ऊपर एप्लीकेशंस डेवलप होंगी। तो ये न्यूट्रिनोस है क्या? न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें मास ना के बराबर होता है, ना ही उसमें चार्ज होता है, होता बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है लेकिन उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है। और मास कितना है हमें नहीं पता, ना के बराबर है हमें ये पता है, लेकिन देखो साइंस में ना के बराबर कुछ नहीं होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो वो वैल्यू क्या है यही जानने के लिए हम INO लेबोरेटरी बना रहे हैं, और ये हमारे सामने एक मेजर चैलेंज रहेगा कि इसका एग्जैक्ट मास भी डिटरमाइन कर पाएं। न्यूट्रिनोस ब्रह्मांड में करोड़ों की संख्या में, करोड़ों खरबों की संख्या में है, और हमें दिखते नहीं है, हमारे आर पार निकल जाते हैं, आपके शरीर से भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम करोड़ों न्यूट्रिनो आपके शरीर को क्रॉस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि न्यूट्रिनोज जो हैं वो शरीर को जब क्रॉस कर जाते हैं तो मैटर को, किसी भी मैटर को क्रॉस कर जाते हैं, तो उन्हें ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं उनका इंटरफेरेंस रहता है। इसीलिए ये लेबोरेटरी अंडरग्राउंड बनानी पड़ेगी, ताकि कॉस्मिक रेस या बैकग्राउंड रेडिएशन जो है उसका इंटरफेरेंस खत्म हो, और केवल न्यूट्रिनोस को स्टडी किया जा सके अंडरग्राउंड, पहाड़ों के नीचे या ज़मीन के नीचे। और न्यूट्रिनोस को स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में जो मूल सवाल हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, वो आंसर होंगे,
उसके अलावा जो अर्थ का कोर है हम उसकी भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिनोस वहाँ तक पहुँचते हैं, कोर तक। न्यूट्रिनोस के लिए मास कुछ नहीं होता है, वो मास को पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो इसीलिए न्यूट्रिनोस की स्टडी करने से हमें अर्थ के कोर के बारे में भी, डीप इंटीरियर के बारे में भी जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में दो स्टेटमेंट हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड ऑन May 3, 1939 बाय जयप्रकाश नारायण। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इज अ लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया टुडे। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के अंदर ही स्थापित हुआ था, डेट दे रखी है 3 मई 1939 को, जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना करी थी। ये स्टेटमेंट गलत है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आज भारत में एक लेफ्ट विंग पार्टी है, बिल्कुल सही। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर होगा बी, ओनली 2। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस का ही एक हिस्सा था जब सुभाष चंद्र बोस ने उसे स्थापित किया था 1939 में, जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए थे, तो उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया। और आज ये पार्टी जो है मेनली वेस्ट बंगाल तक ही सिमट कर रह गई है। अभी इसके सेक्रेटरी जनरल हैं देवव्रत बिश्वास, और इसमें पहले काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियंस थे जैसे शरद चंद्र बोस जो सुभाष चंद्र बोस के भाई थे, चिट्टा बासु, ये इस पार्टी के बड़े नेता रहे हैं किसी समय में। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इसकी स्थापना करी, और इसके बाद इन्होंने इसकी जब इसका एक्चुअली फाउंडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इन्होंने कलकत्ता में अनाउंस कर दिया कि जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक में आना चाहता है वो अपने खून से साइन करेगा। तो लोगों ने आके अपने खून की स्याही से सिग्नेचर किए थे कि हाँ, या अंगूठा लगाया था कि हाँ हम फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक का एक अखबार भी आता था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो ये इनिशियली एक कांग्रेस का हिस्सा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये एक अलग पार्टी बन गई, कांग्रेस से पूरी तरह अलग हो गई। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।